हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल मोहाली पेट ब्लॉग्स में। और दोस्तों, आज फिर से लेकर आ चुके हैं एक फेज शॉप नंबर 5 और 6 एस सी ओ गायत्री मंदिर के ठीक सामने दोस्तों पहुंच चुके हैं। आज दोस्तों कवर करने वाले जिसमें हमारे बहुत सारे बर्ड्स होने वाले, जैसे बजीज पैरेट होने वाले, कॉकटेल होने वाले, उसके साथ साथ दोस्तों फिश की वराइटीज भी आज कवर करने वाले। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे हमारे बहुत सारे बर्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे स्टॉक अपने पास पूरा होने वाला है। बजीज की मैं बात करूँ तो बजीज का स्टॉक इस बार बहुत ही ज़्यादा अपने पास अवेलेबल होगा, यहाँ पर भी अवेलेबल है। और ये देखिए बजीज का पूरा स्टॉक अपने पास अवेलेबल होने वाला है। उसके साथ साथ दोस्तों कॉकटेल्स का अगर आप शौक रखते हैं तो कॉकटेल भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। कॉकटेल का कलर आप देख सकते हैं, व्हाइट और ब्राउन दोनों कलर अपने पास अवेलेबल हो जाएंगे। उसके साथ साथ दोस्तों मैं अगर बात करूँ कैजेस की और पिंजरे की, कि पिंजरा आपको चाहिए बर्ड्स के लिए चाहिए या अपने डॉग्स के लिए चाहिए, तो सभी हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। जैसे साइज़ की मैं बात करूँ, 2 फीट साइज़ भी अपने पास अवेलेबल है, 2.5 फीट साइज़ भी अपने पास अवेलेबल है और 3 फीट साइज़ भी अपने पास अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने बात की थी कि अगर आपने बर्ड्स वगैरह रखने तो बर्ड्स जैसे बजीज आपने रखने, छोटे बर्ड्स रखने, तो उसके भी अपने पास यहाँ पर पिंजरे हमें मिल जाएगी। आगे हम बढ़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अलग अलग वैरायटीज, अलग अलग डिजाइनिंग के हमें केजेस मिल जाते हैं दोस्तों, जो कि नॉर्मल रेंज से लेके अपर रेंज तक अपने पास अवेलेबल हो जाते हैं। अगर साइज आपको बड़े चाहिए तो दोस्तों बड़े साइज भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, छोटे साइज आपको चाहिए छोटे साइज भी अपने पास अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये दोस्तों हमारे पास स्टॉक रहा जो कि बर्ड्स का स्टॉक है। अब आपको ले चलते हैं फिश के स्टॉक की तरफ और दिखाते हैं कि क्या क्या कौन कौन सी फिश अपने पास अवेलेबल होने वाली। तो चलिए दोस्तों अब आ चुके हैं हम लोग शॉप के अंदर और अब कर लेते हैं फिश का स्टॉक कवर। और यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं ओवरव्यू के फिश का पूरा स्टॉक इस बार अवेलेबल होने वाला। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एक्चुअली अभी जो है ऑनर है वो थोड़े कस्टमर के साथ बिजी है, तो जो जो नाम अवेलेबल होगा मेरे हिसाब से मैं बताता चलूंगा। सबसे पहले दोस्तों ऑस्कर फिश अवेलेबल है और ऑस्कर का साइज आप देख सकते हैं, नॉर्मल साइज ऑस्कर का अपने पास अवेलेबल होने वाला है। उसके बाद दोस्तों अगली फिश की तरफ चलते हैं। यहाँ पर वैरायटीज आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार स्टॉक अपने पास अवेलेबल होने वाला है। सेकंड फिश अपने पास ये अवेलेबल होने वाली है। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं तो यहाँ पर ऑस्कर फिश के भी हमारे पास बड़े साइज अवेलेबल है, जैसे कि आपको दिखाया था छोटा साइज, और ये दोस्तों आगे ऑस्कर के बड़ा साइज, यानी कि बिग साइज अगर आपको लेना तो बिग साइज भी अवेलेबल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये आगे छोटी छोटी फिश जो कि मतलब छोटा एक्वेरियम अगर आपके पास है, छोटा एक्वेरियम अगर आपने रखना है तो उसके लिए बहुत ही शानदार फिश है। और आप देख सकते हैं मतलब इकट्ठा रहती है पूरा झुंड के साथ, पूरे ग्रुप में एक साथ रहती है, तो आप छोटा एक्वेरियम रखते हैं तो उसके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बेहतरीन फिर से फिश आ गई। और इस यहाँ पर देखिए साइज जो है दोस्तों नॉर्मल साइज और बड़ा साइज दोस्तों अवेलेबल होने वाला। नाम जिसके हो सकता है पॉसिबिलिटी में बताते चलूँगा, जिसका मुझे नहीं पता वो आप डायरेक्टली कॉल करके पता कर सकते हैं। तो अगली फिश आ जाती है फिर से दोस्तों यहाँ पर, ये फिश अपने पास आ जाती है। यहाँ पर आप देखिए वैरायटीज अपने पास और स्टॉक अपने पास फुल होने वाला है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें साइज दोस्तों दोनों अवेलेबल है, छोटा और बड़ा साइज भी अपने पास अवेलेबल होने वाला है। ये फिर से दोस्तों आगे छोटे एक्वेरियम के हिसाब से फिश आपके, जब छोटा एक्वेरियम 2 फीट आपने या 1 फीट एक्वेरियम रखना है उस हिसाब से फिर से फिश अपने पास आ गई है। ये आ जाती है दोस्तों फिर से यहाँ पर, आई थिंक ये सर गोल्डन या पैरेट में से एक फिश है। तो यहाँ पर देखिए स्टॉक इसका कितना ज़्यादा अपने पास अवेलेबल होने वाला है, फुल स्टॉक अपने पास अवेलेबल है, एकदम एक्टिव फिश होने वाली है। उसके साथ साथ दोस्तों फाइटर फिश भी अपने पास अवेलेबल है, ये देखिए फाइटर फिश अपने पास अवेलेबल हो जाएगी, फाइटर फिश भी यहाँ पर हमारे पास रखी हुई है। यहाँ पर देखिए दोस्तों आगे फिर से फिश आ गई है, बहुत ही एक्टिव फिश अपने पास यहाँ पर, जहाँ शानदार स्टॉक अपने पास होने वाला है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फिर से छोटी छोटी फिश जो कि छोटे एक्वेरियम के लिए बहुत ही शानदार फिश है, मतलब बिल्कुल कलरफुल रंग बिरंगी, जो कि बहुत ही शानदार लगेगी। और आई थिंक ये कोई का आपसे शायद या और कोई सी हो सकती है, मुझे नाम प्रॉपर इसका ध्यान नहीं है, और कोई का आपसे तो वही होगी। और साइज आप देख सकते हैं लगभग 1.5 से 2 इंच का साइज अपने पास अवेलेबल होने वाला है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये आ जाती है, आई थिंक शायद रेड पैरेट या गोल्डन में से कोई एक है, तो ये भी अपने पास अवेलेबल हो जाएगी। ब्लैक वाली एक फिश और अवेलेबल है यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों फिर अगली फिश आ जाएगी और ये देखिए मतलब इसका भी छोटा साइज़ है और छोटे एक्वेरियम के लिए ये बहुत बेस्ट है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2 फीट का एक्वेरियम लगा हुआ है, कितने शानदार तरीके से रह गई ये दोस्तों। फिर आ गई फिश अपनी, इसका रेड कैप की मैं बात करूँ तो दोस्तों हमने देखा था बड़ा, पिछली बार बड़ा साइज़ था और यहाँ पर छोटा साइज़ अपने पास अवेलेबल है, 1 इंच और 1.5 इंच का साइज़ अपने पास अवेलेबल हो जाएगा। स्टॉक पूरा होने वाला है, स्टॉक की कमी बिल्कुल नहीं आने वाली इस बार। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये आ गए अपने पास शार्क फिश। तो शार्क आप देख सकते हैं दोस्तों साइज और बिल्कुल एक्टिवनेस इनकी देख सकते हैं, बहुत ही शानदार एक्टिव है। इसकी एक बार लाइट ऑन कर देता हूँ, आप देखिए यहाँ पर बेहतरीन शार्क अपने पास अवेलेबल होने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये मॉलीज फिश अपने पास आ गई और मॉलीज आप देखिए मतलब कलरफुल मॉलीज अपने पास होने वाली है, छोटे एक्वेरियम के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं तो आगे भी छोटी छोटी फिश, आई थिंक शायद ये विडो टेट्रा वगैरह कुछ ऐसी हो सकती है, नाम प्रॉपर ध्यान नहीं है, तो ये फिश भी अपने पास अवेलेबल होने वाली है। आगे बढ़ेगी तो दोस्तों एंजल फिश आ गई, और एंजल फिश के आप देख सकते हैं वाइट कलर और ब्लैक दोनों अपने पास अवेलेबल है। साइज़ की मैं बात करूँ तो स्मॉल साइज़ ये देखिए, स्मॉल साइज़ ये अवेलेबल है अपने पास, बड़ा साइज़ है, बड़े साइज़ भी अपने पास अवेलेबल होने वाला है। तो ये दोस्तों फिश का स्टॉक, और फिश के स्टॉक की मैं बात करूँ तो शानदार स्टॉक होने वाला है इस बार।
आपको कोई भी फीस लेनी आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और आपको एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गायत्री मंदिर के ठीक सामने अपनी शॉप हो जाती है, एसयू नंबर 5 और 6 एसयू नंबर हो जाता है। स्टॉक फुल होने वाला, अगर बर्ड्स आपने लेने हैं, केजेस आपने लेने हैं, फूड्स आपने बाय करना है या कोई भी, देखिए आप यहाँ पर फिश के फूड देख सकते हैं, टेट्रावायर सारे फूड्स अपने पास अवेलेबल है, एक्वेरियम के प्लांट्स वगैरह स्टोन आपने लेने हैं या कोई भी प्रोडक्ट्स है इसको डेकोरेट करने के लिए जैसे आपने लेना होता है, स्टोन्स वगैरह अपने पास अवेलेबल हो जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर देखिए जो ये देखिए माउंटेन्स वगैरह अपने पास, जो मतलब अगर खुद से आप डेकोरेट करना चाहते हो वो सारे प्रोडक्ट्स अपने पास अवेलेबल हो, नेट भी अपने पास अवेलेबल हो जाएगा और ये मतलब सारी फैसिलिटी हर एक प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।